ये देखिए गाइस, गेहूं की कटाई हो गई है बिल्कुल। अभी खेत सब खाली खाली पड़ा हुआ। गाइस ये देखिए, एक कड़ी क्या धमाकेदार दिख रहा भाई साहब। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और गाइस अभी सब लोग रेडी हो गए हैं ऑफिस जाने के लिए, मैं भैया और आदि। गाइस मस्त आज सुबह तो ठंडा मौसम था, लेकिन अभी फिलहाल हो गया है धूप थोड़ा सा, देखिए पूरा लाली लाली दिख रहा है ये देखें। तो अभी गाइस फटाफट से चलते हैं और सुबह का अपना ब्रेकफास्ट करते हैं जो बना है, और करके फिर निकलेंगे ऑफिस के लिए। ये लगभग टाइम हो ही चुका है गाइस, तो चलिए फटाफट से। तो ये देखिए गाइस, आज ब्रेकफास्ट में मिल गया है मामी के हाथों का चने और आलू का सब्जी एंड रोटी। तो चलिए फटाफट से अभी करते हैं अपना सुबह का ब्रेकफास्ट। तो गाइस अभी सुबह का ब्रेकफास्ट कर लिया हम लोगों ने और भाभी का दिया हुआ लंच भी पैक हो गया है। तो चलिए गाइस अभी फटाफट से चलते हैं ऑफिस के लिए, क्योंकि लेट फ़ोन भी आ गया, लेट भी हो रहा, अभी बस जूता पहनना रह गया गाइस। तो चलिए फटाफट से जूता पहनते हैं और निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ऑफिस, और आज गाइस अंदर ऑफिस बिल्कुल मस्त चिल रहा, बाहर तो भयानक गर्मी है गाइस, जबकि बिल्कुल शर्ट वर्ट गीला हो गया था पसीने से, अभी जाके मस्त लग रहा है गाइस। One eternity later. तो गाइस अभी हम लोग निकल गए हैं ऑफिस से घर के लिए। आज गाइस हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल गांव वाले एरिया से होते हुए, तो चलिए आपको दिखाते हैं अभी। ये देखिए गाइस, गेहूं की कटाई हो गई है बिल्कुल, अभी खेत सब खाली खाली पड़ा हुआ। तो गाइस देखिए हम लोग गांव वाले, सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है ये गोबर का बना उपला है, हमारे गाइस गांव में इसको गोइठा बोलते हैं, और यहाँ पे दिल्ली में गाइस उपला बोलते हैं, आदित्य तो उपला ही बोलते हैं, बट गांव साइड में गाइस मतलब बोलते हैं गोइठा। तो अभी फ़िलहाल गाइस हम लोग इसी गांव वाले एरिया से ऑफिस, मतलब ये दूसरा रास्ता है हमारा ऑफिस से घर जाने का, बिल्कुल गाँव से होते हुए बीच रास्ते से होते हुए मस्त ठंडा ठंडा हवा लगता है, बहुत आनंद आता है गाइस। देखिए अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल खेत वाला एरिया, बिल्कुल सब्जी लगा हुआ इधर, और इसके गाइस देखिए गेहूँ कटाया अभी जस्ट, पूरा खेत में हर तरफ येलो येलो गेहूँ का कटिंग हुआ है यहाँ पे, और इसके गाइस पूरा घास का खेती, देखिए सामने ये एरिया बिल्कुल फेमस है घास की खेती के लिए, और अब यहाँ पे गाइस हमेशा ट्रक वगैरह लगा ही रहता है घास जो पार्क में जो होता है वही वाला घास। और ये देखिए गाइस जैसा मैंने आपको बताया, देखिए पूरा घास का खेती है, जो पार्क जो होता है ना, जो आर्टिफिशियल पार्क बनाया हुआ है यही घास का यूज़ करते हैं, वहीं पर लोग ले जाते हैं, कहीं कहीं देखिए पानी फटा हुआ है खेत, गाँव वाले यही तो खास बात है बिल्कुल, मतलब नेचर से जुड़ा हुआ वही घास की खेती है, कहीं पानी फटता है, कहीं गेहूँ फटा हुआ, कहीं किसान काम कर रहे हैं खेत में। और ये देखिए गाइस ये सामने है खीरा की खेती हुई है इसमें, इसमें खीरा का लगा हुआ पौधा छोटा छोटा सा, और बगल में गेहूँ भी कटा है जस्ट। तो गाइस मस्त बिल्कुल मस्त ठंडा ठंडा हवा लग रहा है, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। तो मैं तो सजेस्ट करूँ कि हमेशा बस हमारा इधर से ही जाए, ताकि हम लोग को मस्त मस्त ठंडा ठंडा हवा मिले हमेशा। ये सामने गाइस है बैडमिंटन खेलने के लिए क्लब बना हुआ है, एक स्कूल टाइप से यहाँ पर बैडमिंटन सिखाया जाता है बहुत मस्त। तो गाइस अभी ऑफिस के बस से आ चुके हैं नीचे, और गाइस इससे देखिए अंडा ले लिया है, क्योंकि आज आदि बनाएंगे एग कड़ी, तो इसे ले लिए हैं गाइस। तो चलिए चलते हैं फिलहाल पर घर। तो गाइस अभी ऑफिस से आ चुके हैं घर, और गाइस बाहर इतनी भयानक गर्मी, देखिए पसीना से पूरा फेस मतलब गीला हुआ पसीना से, और बस में तो गाइस और ज़्यादा ही गर्मी लगता है, क्या बताएं। तो चलिए गाइस फटाफट से पैर हाथों के कपड़ों पर चेंज करते हैं, फिर आदि का हेल्प भी कराना है, क्योंकि आदि आज बनाएंगे गाइस एग कड़ी, तो अभी चलते फटाफट से पैर हाथ धोते, भयानक वाला गर्मी लग रहा है। तो गाइस पैर हाथ धोने के बजाय मैंने स्नान ही कर लिया, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और अभी गाइस आ गए हैं मैं और आदि बनाने के लिए एग कड़ी। तो गाइस एग कड़ी बनाने में आज बहुत बड़ा झोल हो गया, क्या हो गया आदि झोल? चल हम लोग हमारा क्या बोलते हैं वही टूट गया, वो क्या बोलते क्या बोलते उसको आदि, चॉपिंग टूट गया, उसके चक्कर में बहुत दिक्कत हुआ गाइस। तो अभी फिर हाथ से काटना, हाँ, और टूटा ही साथ मसाला भी गिर गया, बहुत लफड़ा हो गया आज तो एग कड़ी बनाना ही महंगा पड़ गया हमें, क्या बताएं। अभी फिलहाल देखिए क्या क्या हुआ है किचन में, दिखाते हैं आपको। ये देखिए अभी आदि यहाँ टमाटर काटे हैं, और यहाँ एग फ्राई होके रखा हुआ, ये देखिए आज दिक्कत। तो गाइज यही जो प्याज फ्राई हो रहा है देखिए, इसी को काटे कैसा सॉलिड बड़ा बड़ा प्याज, इसी को करने में बड़ा दिक्कत हुआ था, पूरा इधर का बिखर गया था, और ये देखिए मसाला भी इसमें गिर गया था पूरा, तो बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ।
और गिराया गाइस हम लोगों ने था, तो सफाई भी हम लोगों को करना पड़ा, तो कर दिए हैं, कोई नहीं, चले गए। अब गर्मी बड़ी भयानक लग रहा अभी भी, क्योंकि आज तो बना लिया ऐसी मन किया तो बना लिया, तो चलिए जब तक थोड़ा सा फैन है बैठते हैं उधर, आदि अभी कुछ कर रहे हैं। तो गाइज अभी हम सब लोग बैठ के पूरे भारत का नंबर वन शो सीरियल मतलब जो कि है अनुपमा, वो देख रहे हैं भाभी के साथ बैठ के। भाभी मतलब भाभी को अच्छा लगता है, और साथ में कभी कोई मैं भी रहता हूँ, मैं भी देखता हूँ गाइज ये शो, बहुत अच्छा आता है। ये देखिए गाइज टीवी में लगा के भाभी अभी देख रही हैं अनुपमा। भाभी मसाला पक गया, ओ भाई भाभी का पसीना तगड़ा हो रहा है, इसका दोबारा काट रहे हैं लास्ट में कर जाए ना, नहीं रस में कौन ब्लास्ट कर रहा है। वाह वाह मेरे बच्चे वाह, तो गाइस ये देखो भाई मसाला क्या तगड़ा बना है आदि, वाह गजब सच्चे मत दिख रहा कसम से। अरे इधर अंडा भी हमारा फ्राई कर रखा हुआ है, इसमें कट मार्क भी लगा हुआ है। तो आदि ये कट मार्क लगाना क्यों जरूरी है बताइए, रस थोड़ा अंदर चले जाएगा। नहीं नहीं जो पहले से तलने से आप कट मार्क लगाए वो तो लगा के उड़े नहीं, कभी कभी अंडा ब्लास्ट भी कर जाता है ना तेल में जाते ही, ये चीज़ बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तेल अंडा नहीं करेगा तो तेल उड़ने लगता है। अच्छा अच्छा मेरी ग्रेवी अच्छा कैसे लगाएंगे तगड़ा बनेगा, नमक में डाल दिए ना, अरे अरे होटल का जब इसमें पानी में डाल दे तो डाल दिए, पानी डाल दें, अरे हम भी डाल ये तो हम अपने हाथों से हम करते थे, पूरा डाल दें, बोलिएगा कितना डालना, ज़्यादा ग्रेवी बनेगा नहीं क्या, इतना ही ग्रेवी काम हो जाएगा, ठील ले लिए तुम वो भाई एक ही बार देखो पांचों उठा कर डाल रहे हैं तुम्हारा, कहाँ फंस गया देखिए भाभी देखिए कहाँ फंस गया, तो गाइस अभी हम लोगों का बन चुका है एक कढ़ी, और गाइस वेट कर रहे बस कि चावल का गैस निकल जाए, उसका गाइस लोग सब लोग बैठेंगे अभी रात का डिनर करने के लिए। और गाइस देख के सब्जी तो लग रहा बड़ी भयानक मस्त टेस्टी सब्जी बना होगा, आदि वैसे बनाते हैं अच्छा है एक कढ़ी, तो बस वेट करें फटाफट से बस गैस निकल जाए। गाइस ये देखिए एक कढ़ी क्या धमाकेदार दिख रहा है, वो आदि मिला दिए तो और भयानक दिख रहा था ये, आदि मेरे में लहसुन रख दीजिए बिल्कुल ठीक है, मस्त मस्त बना बना गए। तो अभी हम लोग खाना भी यहाँ पे सर्व हो रहा है, इस चलिए फटाफट से खाते हैं अभी, वाह मज़ा आ जाए अभी मुँह में पानी आ रहा देखिए, इससे अच्छा तो वो ले लेते हैं आप, मेरे में लहसुन रख दिए गाइस। ये देखिए ये हमारा रहा आज का डिनर, दो रोटी राइस थोड़ा सा और एग कढ़ी। तो भैया अच्छा अभी आप खीरा खा रहे हैं, क्या खुजू के साथ एग खा रहे हैं, क्या अच्छा बना है, हाँ हाँ हमारा आदि भी खा रहे हैं अच्छा बना है, आदि तो बनाते अच्छा सारा कुछ, आदि का ही मतलब फिर थोड़ा सा बस मेहनत कर दी है कटिंग पटिंग करने में, आदि के हाथ का ही है, आदि बनाते अच्छा ना एग कढ़ी मस्त बनाते हैं। इस नाचीज को हम 5,000 रुपये नहीं 50 लाख का इनाम देंगे। तो आदि अभी अपना ही मुँह का तारीफ कर दी कैसा बना, एक नंबर। तो ये जो खीरा भी खा रही है थोड़ा सा। तो गाइस अभी रात का खाना खाने के बाद मुझे ड्यूटी मिल गया था तोरी यानी कि घिउरा, हमारे घर में घिउरा बोलते हैं, बहुत जगह नेनुआ बोलते हैं उसको काटने का। तो गाइस अभी रात के बज चुके 12:30 और खाने के बाद मैं उसी को काटने में लग गया था, तो भैया और दादी दोनों लोग हेल्प भी कराए मेरा, तो फाइनली पूरा कट के हो चुका है तैयार बिल्कुल मस्त। और गाइस आज खाना खा के बिल्कुल दिल से बहुत मज़ा आ गया, आदि मतलब बहुत अच्छा खाना बनाया था, पसीना देखा, गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस दिल्ली में, बिहार में सही है अभी का मौसम, बारिश वारिश हो रहा है तो सही है अभी। तो गाइस चलिए आपको दिखाते हैं जो तोरी काटे हैं अभी हम, ये देखिए गाइस ये पूरा तोरी अभी काटे हैं हम लोग, देखें पूरा 1 किलो है गाइस, ये काटने में हालत ख़राब हो गया बिल्कुल पूरा, मतलब बहुत मेहनत लगा उसको पहले छीलना फिर काटना, बड़ा दिक्कत है गाइस। तो फिलहाल गाइस रात काफ़ी हो गया और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो चाहता हूँ थोड़ी देर पंखा में बैठूँगा। तो इसी के साथ गाइस आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक लेकर बाय, गुड नाइट।